मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपना उस्टर क्वांटम 3 और जेनिट प्लस जो यार मास्टर का अपन दोनों का वीडियो अपलोड किए थे, उसमें कुछ व्यूअर ने मेरे को मतलब पूछे थे कि सर ये दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब दोनों में मतलब फ़र्क क्या क्या है। तो वो फ़र्क क्या क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आज टाइम निकाल के इसको समराइज करके बता रहा हूँ आपको। और सबसे पहले देखिए उस्टर क्वांटम 3 और यार मास्टर जेनिट, ये है लोफे का गेज है, ये वाला लोफे का है और ये उस्टर का, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी क्या है, स्विट्जरलैंड बेस का कंपनी है, दोनों स्विट्जरलैंड से बन के आता है, वहाँ का ही कंपनी है। और उस्टर क्वांटम 3 देखो, सेंसिंग बोथ डाया एंड मास। ये पहले ज़माने में जो ऑटोकोनर आता था, आइदर डाया से सेंसिंग करा के बताता था रिपोर्ट या मास में करता था, लेकिन उस्टर क्वांटम 3 ऐसा है सेंसर, उसमें डाया और मास दोनों ही सेंसिंग करता है। और इसमें यार मास्टर जेनिट प्लस में सेंसिंग ओनली डाया, ये खाली डाया सेंसिंग करता है। और सेंसर्स बोथ ऑप्टिकल एंड कैपेसिटिव, इसमें उस्टर क्वांटम 3 में ऑप्टिकल और कैपेसिटिव दोनों मेथड में है, और इसमें जेनिट प्लस में सेंसर्स ओनली ऑप्टिकल, ठीक है। और इस पे देखो 8 हेल्पिंग पॉइंट्स फॉर NSLT, मतलब शॉर्ट थिक, लॉन्ग थिक, थिन और स्प्लाइस, FD, फॉरेन मटेरियल डिटेक्शन, PP, ये सबका क्या 1 से 8 पॉइंट तक आप माइन्यूटली आप इसको सेटिंग कर सकते हो। 6 पॉइंट तक सेटिंग करते जनरली, लेकिन 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। आप एक बार उस्टर क्वांटम 3 का चैप्टर फिर से रिव्यू कीजिए, उसमें ऐसे लिखा होगा NSL 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे करके दिया हुआ, 6 तक दिया हुआ, ऐसे आप 8 तक कर सकते हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या है आपकी मतलब NSL रहेगा तो ऐसे रहेगा, NSLT रहेगा तो इसमें 280 रहेगा या 350 रहेगा, मतलब एक बार लिखा जाएगा, इसमें 8 पॉइंट का सेटिंग नहीं है, एक बार का सेटिंग है। और इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चीपर देन उस्टर क्वांटम 3, ये जो उस्टर क्वांटम 3 थोड़ा महंगा रहेगा और जेनिट प्लस वाला जो यार मास्टर का थोड़ा सस्ता रहेगा। और देखो NSLT, FD, PPC, CC, क्यू डाटा सब सेंसिंग करेगा, इसका मतलब किसी में कैपेसिटिव मेथड में सेंसिंग करेगा, किसी में ऑप्टिकल में सेंसिंग करेगा। और इसमें सारी ऑप्टिकल है, वन हेड के अंदर 3 सेंसर है, एक तो NSLT का है, एक कलर डिटेक्शन मतलब FD जो है वो है, और तीसरा है एक P3 सेंसर, पॉलीप्रोपिलीन का स्पेशल सेंसर है, जिसमें ट्राइबो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सेंस करके इसको यान के अंदर से निकाल के काट के फेंकता है। और स्कैटर प्लॉट टू सेट सेटिंग्स, इसमें भी स्कैटर प्लॉट टू सेट सेटिंग्स, स्कैटर प्लॉट मतलब पूरा ऐसे आएगा आपके ऐसे आएगा, ऐसे प्लॉट आएगा, इसमें आप ये जो जो है जो यहाँ पे जो ये रहता है मतलब मार्किंग रहता है ना, यहाँ तक अपन धागा सही है, ऊपर का काटना है, ऐसे ही दोनों में यही आएगा, स्कैटर प्लॉट आएगा। और देखो क्रिएटेड यार्न बड़ी इन 30 किलोमीटर्स,
उस्टर क्वांटम थ्री में क्या आप एक आएगा यान बड़ी, यान बड़ी मतलब दो कलर का आएगा, एक डार्क ग्रीन कलर का आएगा, एक लाइट ग्रीन कलर का आएगा। लाइट ग्रीन कलर का जो है वो जो इरेगुलरिटी बीच बीच में आएगा उसका ही है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, और डार्क ग्रीन का फिक्स रहेगा। वो कोई भी काउंट है मतलब यान बड़ी है काउंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, और कॉटन क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग आएगा। तो वो जो यान बड़ी है 30 किलोमीटर की अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, उस दिन कुछ सेकंड आपकी यान बड़ी आ जाएगा, यान बड़ी आ जाएगा तो इसको आप ऊपर नीचे सेट करके और बढ़िया से फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। इसमें नो यान बड़ी क्रिएटेड, इसमें कोई यान बड़ी क्रिएट नहीं करता। और सेटिंग में भी चेंज बाई टस्किन, इसमें भी टस्किन है, इसमें 15.6 इंच का कंप्यूटर रहता है, उसका अंदर आप उंगली दबा के या स्वाइप करके या प्रेस करके कुछ करके इसको सेट कर सकते हो। दोनों में यही सेम चीज़ है। काउंट रेंज देखो 350 से 250 एनी तक है उस्टर क्वांटम थ्री में, और इसमें काउंट रेंज दो काउंट भी है, 4 काउंट से 320 काउंट तक है काउंट रेंज उसमें। यार मास्टर में थोड़ा फाइन साइड तक और भी चला सकते हो। लास्ट 5 सीट डाटा सेव्ड, इसमें भी 5 शिफ्ट का डाटा आप सेव करके रख सकते हो, पिछला शिफ्ट का रिपोर्ट निकाल सकते हो। 99 टाइप्स ऑफ आर्टिकल सेव्ड, दोनों में 99 आर्टिकल मतलब अलग अलग काउंट प्रोग्राम का आप आर्टिकल सेव करके रख सकते हो। दोनों में नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आप इतना वेराइटी का मटेरियल चलाने के लिए इतना काउंट पैटर्न वगैरह सेटिंग वगैरह सेट करके रख सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग क्लस्टर फॉर थिक एंड थिन, जो पीरियडिक फॉल्ट होता है जो हम बोलते हैं शॉर्ट क्लस्टर लॉन्ग क्लस्टर, वो थिक और थिन का इसमें अवेलेबल है। इसमें लेकिन नेप्स और हेरिनेस का क्लस्टर एडेड किया हुआ इसमें। उसके बाद देखो नो कोर एयर सेंसिंग, इसमें कोर वन का कोई सेंसिंग का नहीं है। इसमें कोर यान मतलब कटन के अंदर आप लाइक्रा फाइबर डाला या अंदर की साइड कोर में एक फाइबर डाला, अगर कोर यान ठीक से स्पॉन नहीं होगा, समझ लो कोर यान सेंटर में रहना चाहिए, वो बाहर ही दिख रहा है, तो बाहर दिखेगा तो ये लोफे यान मास्टर इसको काट के फिर दोबारा इसको स्प्लाइस कराएगा, बाहर दिखने नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो पॉलीप्रोपिलीन और वेजिटेबल जो सेंसिंग है, ये दो चीज़ अपना कैपेसिटी मेथड में उस्ट्रा क्वांटम थ्री में सेंसिंग करेगा, और इसमें ऑल सेंसिंग बाय ऑप्टिकल। इसमें जो दो वैरायटी का आपको बताया था ना, एक ऑप्टिकल और कैपेसिटिव, ये कैपेसिटिव में पॉलीप्रोपिलीन और वेजिटेबल दो सेंसिंग करेगा, बाकी रेस्ट जो बताया वो सब ऑप्टिकल में करेगा, वो इसमें पूरा पूरा ऑप्टिकल का सेंसिंग करेगा। और डाटा ट्रांसफर ग्रुप टू ग्रुप अदर ऑटोकॉनर पॉसिबल, इसमें डाटा एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप ट्रांसफ़र करना या दूसरा मशीन में ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है, इसमें भी सेम चीज़ है। और NSLT सेटिंग इफ चेंज स्प्लाइस सेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज है। उस्टर क्वांटम थ्री में NSLT का सेटिंग अगर आपने चेंज कर दिया चैनल का, तो स्प्लाइस का सेटिंग भी अपना आप चेंज हो जाएगा। इसमें नो एनी ऑप्शन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखो अलार्म सेटिंग फॉर ऑफ स्टैंडर्ड बॉबिन्स, इसमें भी है उसमें भी है। और इसमें समझ लो आपके IPI ज़्यादा आ रहा है, IPI का रेंज मिनिमम मैक्सिमम डाल देना, अगर ज़्यादा आ रहा है समझ लो कोम्ड कार्ड मिक्स हो गया, तो उसमें आप अगर अलार्म डाल दोगे तो आप इसको सेटिंग कर सकते हो, मतलब छाट सकते हो। और ऑनलाइन प्रोडक्शन मॉनिटरिंग इसमें दोनों में है, और नो स्पेशल सेंसर फॉर पॉलीप्रोपिलीन के लिए इसमें कोई स्पेशल सेंसर नहीं इसमें, लेकिन एक P3 सेंसर है जेनिट मास्टर जो यान मास्टर जेनिट में P3 सेंसर जो होता है वो बेस्ड ऑन ट्राइबो इलेक्ट्रिक सेंसिंग। इसमें क्या पॉलीथीन मटेरियल जो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होता है वो सेंसिंग करेगा, उसको फिर वो काटेगा, वो स्पेशल टाइप का एक सेंसर है इसमें है। और ये मेन डिफरेंस है उस्टर क्वांटम थ्री और यान मास्टर जेनिट प्लस का। और आप इसको दोनों वीडियो बढ़िया से देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें
क्या क्या फ़र्क है, और आपको ये सारी चीज़ तब समझ में आएगा जब दोनों वीडियो आप थोरोली देखोगे, नहीं तो ये कंपैरिजन आपकी समझ में नहीं आएगा। मतलब उष्ट्र क्वांटम 3 देखना और साथ साथ वो भी देखना, जेनिट यान प्लस यान मास्टर जेनिट प्लस वाला भी देखना, दोनों देखोगे तब कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।